अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोड पेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन ड्रिल मशीन, यानी कि ड्रिल मशीन के अंदर कौन से टाइप की मोटर को यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने एक ड्रिल मशीन मौजूद है जिसके आप नेम प्लेट पर देख सकते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो 240 वोल्टेज है और इसको हम 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक है और इसका जो एम्पेयर है वो 2.5 और ये जो वाट लेता है वो 550 वाट के करीब ये ड्रिल मशीन लेता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी आरपीएम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3000 आरपीएम की ये ड्रिल मशीन है। तो दोस्तों ये तो ड्रिल मशीन है हेवी ड्यूटी, यानी कि इसे हम बिजली से चलाते हैं। और आपने एक ड्रिल मशीन देखा होगा जिसे हम जो है हैंड ड्रिल भी कहते हैं, जो हमारे हैंड में रहता है, हाथ पे रहता है, उसमें वो जो है बैटरी से उसको हम ऑपरेट करवाते हैं। तो उस ड्रिल मशीन में मुख्तलिफ मोटर यूज़ होती है और ये जो ड्रिल मशीन है जिसे हम बिजली से चलाते हैं इसके अंदर जो है वो मोटर मुख्तलिफ यूज़ होती है। तो दोस्तों दोनों ही में मैं आपको बताऊंगा उसमें कौन सी मोटर यूज़ होती है, इसमें कौन सी मोटर यूज़ होती है। तो दोस्तों ये ड्रिल मशीन के अंदर इतनी छोटी सी मोटर इतनी पावरफुल कैसे रहती है, तो आज हम इसको डिसअसेंबली करेंगे। इसकी इस ड्रिल मशीन की हम डिसअसेंबली करके इसके अंदर देखेंगे कि कौन सी मोटर इसके अंदर यूज़ की गई है जो ये जो है इतनी पावरफुल मोटर होती है और इसकी साइज भी है वो छोटी रहती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो वो छोटी वाली ड्रिल मशीन मौजूद रहती है जिसे हम छोटे मोटे काम में यूज में लेते हैं, जिसे जो बैटरी से ऑपरेट होती है, उसके अंदर कौन सी मोटर रहती है। दोस्तों उसके अंदर डीसी मोटर रहती है। डीसी मोटर एक मोटर की टाइप है जिसे आप सिर्फ डीसी वोल्टेज से ही चला सकते हैं। तो उसके अंदर एक ये इस टाइप की एक डीसी मोटर मौजूद रहती है जो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट से ही ऑपरेट होती है और इसकी जो है वो वोल्टेज रेंज होती है 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और फिर 24 वोल्ट के करीब उसकी वोल्टेज की रेंज होती है, यानी लो वोल्टेज में वो ऑपरेट होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस ड्रिल मशीन के अंदर कौन सी मोटर मौजूद रहती है जो इतने छोटे साइज की होती है और इतनी हेवी ड्यूटी रहती है। तो दोस्तों इस ड्रिल मशीन को मैं अभी खोल दूंगा, इसके सारे स्क्रू को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसके स्क्रू को जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके सारे स्क्रू को मैं यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अभी इसकी जो ये कवर है मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँगा, इसे खोल लूँगा। तो दोस्तों इसे मैं आराम से यहाँ पे रिमूव कर लूँगा। तो दोस्तों ये इसका जो कवर है मैं यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक मोटर देखने को मिलेगा, ये इसका जो मेन पार्ट है ये इसका मोटर है। फिर मोटर के आगे ही आपको एक गियर सिस्टम देखने को मिलता है। ये गियर सिस्टम का काम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इस गियर सिस्टम का जो काम होता है वो ये होता है कि इसकी जो स्पीड है यहाँ पर ये स्लो कर देता है, यानी इस मोटर की जो आरपीएम है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, 3000 आरपीएम बहुत ही ज़्यादा आरपीएम होती है। तो दोस्तों ये मोटर जो है बहुत स्पीड से घूमता है, इसको जो ये गियर सिस्टम की मदद से इसकी स्पीड को यहाँ पर स्लो कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ टाइप्स के गरारी लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं जिसकी मदद से इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। दोस्तों इस स्लो करने का इसको मकसद ये होता है कि इसकी जो यहाँ पर ताकत होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि इसकी जो मोटर की स्पीड होती है वो बहुत ही तेज़ होती है और यहाँ पर जब इसे कम किया जाता है तो इसकी ताकत में यहाँ पर इजाफा हो जाता है। इसी वजह से इसे जो यहाँ पर कम कर दिया जाता है, स्पीड को इसकी यहाँ पर कम कर दिया जाता है इस गियर बॉक्स के मदद से, यानी कि इस गियर सिस्टम की मदद से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्विच देखने को मिलता है। दोस्तों ये स्विच जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। दोस्तों इस स्विच में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसके ये एक ये इस तरीके का है कि यहाँ पर आपको नॉब देखने को मिलता है। दोस्तों इसको आप जब यहाँ इधर उधर करते हैं तो उस मोटर की डायरेक्शन चेंज होती है। तो दोस्तों ये जब आप इसे ऊपर करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज घूमती है और जब इसे पीछे करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस पर लिखा हुआ भी होता है लेफ्ट और राइट का। तो दोस्तों ये लेफ्ट राइट के लिए दिया हुआ रहता है और आपको इस यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है। इस बटन के साथ ही आपको एक डीमर टाइप का एक रेगुलेटर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस रेगुलेटर की मदद से आप इसकी आरपीएम को जो है कम कर सकते हैं और फाइनली आपका एक पुश बटन है जिसकी मदद से आप अपने ड्रिल मशीन को ऑपरेट करवाते हैं। तो दोस्तों ये मोटर की कौन सी ऐसी टाइप है जो इतने सारे फंक्शन में चल रहा है, यानी कि आपका ये लेफ्ट राइट भी हो रहा है और इसकी जो है स्पीड भी कम तेज हो रही है और ये इतना तेज भी चल रहा है और इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों ये कौन सी मोटर है? तो दोस्तों इस मोटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों इस मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। अब ये कौन से मोटर की टाइप है दोस्तों, ये स्पेशल टाइप ऑफ मोटर पर आ जाता है। दोस्तों ये इस मोटर के स्पेशल टाइप में आ जाता है। दोस्तों स्पेशल टाइप से क्या मुराद है, यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये मोटर जो है रिवर्स भी चलता है, फॉरवर्ड भी चलता है, इसकी स्पीड भी कम तेज होती है। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर क्या होता है दोस्तों इससे पहले जो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने मोटर के टाइप्स के बारे में बताया है, उस पर मैंने यूनिवर्सल मोटर के बारे में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ शॉर्टली बता देता हूँ कि यूनिवर्सल मोटर आखिर होता क्या है। दोस्तों हमारे पास होता है एक एसी मोटर,
जो सिर्फ एसी सप्लाई से ही चलता है, जैसे कि हमारा इंडक्शन मोटर हो गया और दूसरे मोटर हो गए। तो दोस्तों ये एसी मोटर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये एसी मोटर होगा तो इसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और इस पर हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है, और इतनी छोटी साइज़ में ये इतनी हैवी ड्यूटी है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। दोस्तों ये हमारा एसी मोटर नहीं है। एक हमारा होता है डीसी मोटर, जैसा कि मैंने आपको बताया छोटे वाले ड्रिल मशीन में जो होते हैं जिसे हम बैटरी से ऑपरेट करवाते हैं वो डीसी मोटर होता है, तो ये डीसी मोटर भी नहीं है। और दूसरा जो हमारा एक मोटर आता है स्पेशल टाइप ऑफ मोटर, जैसा कि यूनिवर्सल मोटर, तो ये मेरा यूनिवर्सल मोटर है। अब यूनिवर्सल मोटर की खासियत मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर क्या होता है? दोस्तों यूनिवर्सल मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एसी करंट में भी चलती है और वो डीसी करंट में भी चलती है। दोस्तों अगर हम एसी मोटर की बात करें तो वो सिर्फ एसी वोल्टेज से ही चलेगी, अगर डीसी की बात करें तो वो डीसी से ही चलेगी, अगर हम उसे एसी प्रोवाइड करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा, अगर एसी मोटर को हम डीसी करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल मोटर होता है वो एसी करंट में भी चलता है और ये डीसी करंट में भी चलता है, इसलिए हम इसे स्पेशल टाइप ऑफ मोटर कहते हैं। और इसकी डायरेक्शन को भी हम बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं इस तार के जरिए। दोस्तों इस बटन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, सिर्फ इसके जो तार है कार्बन के वो यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा यूनिवर्सल मोटर है जिसे हम स्पेशल टाइप ऑफ मोटर भी कहते हैं, और इसकी जो है स्पीड को बहुत ही आसानी से कम किया जा सकता है। दोस्तों इसकी स्पीड को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस पर जो है स्पीड कम करने के लिए कार्बन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका एक रेक्टिफायर डायोड भी आता है वो भी आप इस पर यूज़ कर सकते हैं इसकी स्पीड को कम करने के लिए। यानी जितने डायोड आप सीरीज पर बढ़ाते जाएंगे उसकी उतनी ही इसकी स्पीड जो है यहाँ पर कम होती जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर स्पीड को एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये है यूनिवर्सल मोटर के फायदे। और दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का एक फायदा ये भी है कि इसकी जो साइज़ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही छोटी रहती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये भी है कि यूनिवर्सल मोटर का यहाँ पर आपको फायदा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे ड्रिल मशीन के अंदर इस यूनिवर्सल मोटर को जो है इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके फायदे मैंने अभी आपको बता दिया कि ये कौन सी मोटर, इससे क्या क्या हमें फायदे मिल जाते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एसी डीसी दोनों में ही चलता है, और इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और लेफ्ट राइट भी आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा फायदा ये है कि इसका जो साइज है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और इसकी पावर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, यानी कि स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो दोस्तों ये हमारे ड्रिल मशीन के अंदर जो मोटर को यूज़ किया जाता है वो यूनिवर्सल मोटर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इस ड्रिल मशीन को पूरे तरीके से इसके कवर को रिमूव करके आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि कौन सी टाइप की मोटर जो है वो इस ड्रिल मशीन पर यूज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मोटर जो है कार्बन से चलती है, यानी कि ये आप इस पर साइड पर क्वाइल देख सकते हैं, पहले इस क्वाइल के जरिए जो है हमारा एसी करंट गुजरता है, फिर हमारे इस कार्बन पर आकर इसके कम्यूटेटर को, इसके जो आर्मेचर होता है इसको घुमाता है। तो दोस्तों ये होता है ड्रिल मशीन के अंदर प्रोसेस, और हमारे ड्रिल मशीन के अंदर यूनिवर्सल मोटर को यूज़ किया जाता है जिसे हम स्पेशल टाइप ऑफ मोटर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे वीडियो का टॉपिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई फायदा ज़रूर पहुँचा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।